कुरान ने फिरा के दसिया जुदाइया भी दसिया जे मैं जुदाइया का जिक्र करा हजरत बाबा आदम ते हवा जड़े वेले जमीन ते आए कितने सौ साल ढूंढ दे रहे नौजवानों फिर जाके मुकामे अरफा दे अंदर मुलाकात हुई पता लग्या इंसान जदू जमीन ते आया पहले दिन ही जुदाइयां लेके आया पहले दिन ही जुदाइयां ते भी छोड़े नाल लेके आया नौजवानों दुनिया के अंदर गम लेके आया तकलीफा लेके आया कहते मैं जुदाइया आदम ते हवा दी अर्द करा फिर भी बड़ी लंबी है के मैं इब्राहिम ते इस्माइल दियां जुदाइया अर्द करा लंबिया नहीं के मैं यूसुफ ते यकूब दियां जुदाइया सुनावा अल्लाह ने कुरान च फरमाया वबयदत आईनाहु मिनल हज़न फरमाया पुत्र दी जुदाई च रो रो के बाप दियां अखां दी बेनाई चली गई पता लग्या नौजवानों जुदाइया बड़िया पुरानिया ने मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जिहड़े वेले हजरत खिजर ते मूसा दी जुदाई दा वेला आया फरमाया कौल हाजा फिराक बैनी व बैनक अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام اہل اسلام نو ربیع الاول شریف دی مبارک باد اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر زندگی چ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی میلاد شریف دا ماہ مکرم دیکھنا نصیب فرمایا اہل ایمان
गली गली करिया करिया हर बाजार हर घर के अंदर हर मस्जिद के अंदर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दे मिलाद शरीफ दियां तैयारियां फरमा रहे। अल्लाह करीम कबूल भी फरमाए और सबनों तौफीक भी अता फरमाए। पिछले जुमतुल मुबारक नूं असी एक किस्से का आगाज किया हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम और हजरत खिजर अलैहि सलाम का किस्सा। इरादा तो इसी के पिछले जुमतुल मुबारक ने ही उन्हें इख्तिताम कर लिए मगर वक्त की किल्लत के पेशे नजर अज भी खुतबा जुमतुल मुबारक पिछले जुमतुल मुबारक की ही कड़ी है। इंशाअल्लाह अगले जुमतुल मुबारक तो असी नबी करीम अलैहि सलातो सलाम के मिलाद शरीफ के हवाले नाल मौजूआत और उनवानात का इंतखाब करांगे। अज पिछले जुमतुल मुबारक आप अहबाब ने जो सुनिया उस तो अगली बात का आगाज करिए। साबिका जुमतुल मुबारक नूं आप अहबाब ने समात फरमाया कि अल्लाह के नबी इब्राहिम हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने किसी इन आख्या कि मेरे नाल वड्डा आलिम नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि तुसी खिजर कोल जाओ उहदे कोल तुहाडे तो ज्यादा इलम है। पर हजरत खिजर अलैहि सलाम की निशानी की दसी कि जिथे मुर्दा मछली जिंदा हो जाएगी उथे खिजर तुहानू मिल पैणगे। तो हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम एक नौजवान जेडे अल्लाह के नबी ने हजरत यूशा बिन नून अलैहि सलाम उन्होंने नाल लेके गए मछली जिंदा हो गई। हजरत मूसा कलीम उतो अगे चले गए खाना मंगया तो यूशा बिन नून ने अर्ज की हुजूर वो मछली तो फुला मुकाम ते जिंदा हो के तो दरिया विच समंदर विच चली गई। तो आपने फरमाया कि वही तो जगह सी जिथे खिजर ने मिलना सी आपस पलट के लौट के वापस आए। हजरत खिजर अलैहि सलाम चादर दी बुक्कल मार के चुंब मार के बैठे। हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम हजरत खिजर अलैहि सलाम नो मिले मुलाकात हुई। तो हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने हजरत खिजर अलैहि सलाम नो फरमाया कि मैं तुहाडे नाल कुछ देर रहना चाहना मैं तुहाडी इत्तबा करना चाहना क्या तुहाडी इजाजत है कि मैं तुहाडी इत्तबा वास्ते मैं तुहाडे नाल रह सकना पुछया सवाल किया। हालांकि ये भी नबी ने और बाज दे मुताबिक वो भी नबी ने मगर इशाद फरमाया कि क्या मैं तुहाडे नाल तुहाडी इत्तबा वास्ते रह सकना। हजरत खिजर अलैहि सलाम ने फरमाया कि रह तो सकते हो मगर मेरी एक शर्त है। फरमा केड़ी? आपने फरमाया कि मैं जो भी करा तुसां विच बोलना नहीं खामोश रह के देखना सवाल नहीं करना और तुहाडे कोलों मेरे काम ते सबर भी नहीं होना। इहदे ते मुफसल गुफ्तगु आप अहबाब ने पिछले जुमतुल मुबारक समात फरमाई क्यों नहीं सबर होना और एदी तो जिहाद की है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजीद मैं आज अर्ज करांगा। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने फरमाया जी नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलांगा तुसी जो मर्जी करो मैं तो सीखन आया। तो पता लग्या कि कुछ सीखना होवे ते उहदे वास्ते चुप रहना भी जरूरी होंदा है। और हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम ने जेड़ा आप पूछा ना कि मैं तुहाडी इत्तबा कर सकना तो उलमा ने फरमाया कि इहदा मतलब है कि शागिर्द जब उस्ताद दी बारगाह च जावे तो पहले अदब फिर खिदमत फिर इल्म एनी के बाद शागिर्द आंदे ने ते आके उस्ताद नु कहंदे ने मैनू फौरन दे दियो मैनू जल्दी है मैं जाना है। नहीं अगर किसी को कुछ सीखना है तो उदे नाल रहना पवेगा उदी खिदमत करनी पवेगी उदा अदब इत्तेराम दा तकाजे पूरे करने पैवनगे फिर इलम हासिल होवेगा। मैं किताब पढ़िया कि बहुत बड़े मुहद्दिस सन ओ किताब और क्लास दे अंदर दाखिला नहीं लिया सिर्फ क्लास दे बाहर बैठ के ते शागिर्दां दीआं ते बच्चियां दीआं जुत्तियां सिद्धियां करदे सन कि ए बच्चे इल्म हासिल करदे ने नबी दा दीन पढ़दे ने ओ जुत्तियां सिद्धियां करदे आ सुन सुन के मुहद्दिस बन गए।
یعنی کہ علم والوں کی خدمت کرنے والا بھی بندہ کدے کدے عالم بن جاتا ہے پہلے خدمت ادب پھر علم ان حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام او دی بارگاہ چ گئے جدے کل اللہ نے بھیجیا کہ جاؤ ادھ کل تو ہاڈے نالو زیادہ علم ہے پچھلے جمعے آپ احباب نے سنیا کہ پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جب بار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنے علم تے مان سی میرے کل بڑا علم ہے اللہ فرمایا ادھ کل جاؤ جدے کل تو ہاڈے نالو بھی بہت علم ہے گئے فرمایا ہن میں نار رہنا چاہنا فرمایا صبر کر لو گے جی کر لوا گے فرمایا آؤ پھر کٹھے چل لے ان جو چپ رہے آجے تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے بھائی طیب صاحب آئے نے آج ہی آئے نے امریکہ تو انہوں نے ملے ٹواری صاحب آگے ماشاءاللہ منڈی بہاؤدین تو مختلف شہروں چ لاہور سرگودا کراچی تو لے کے اسلام آباد تو کشمیر تک سارے لوگ آتے جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آتے ہو تے سارے اس غرض نال آتے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ تے جمعہ سن دن پھر انہوں کا دل کرتا جا کے پڑھ کے آئیے بڑی لذت آ رہی ہے تو میرا دل کرتا وہ جڑا ساڈا ماحول ہے نا روزانہ دا ہر جمعہ دا الحمدللہ وہ ماحول بناؤ پوچھو سبحان اللہ بولو تو میں تمہیں ہولے ہولے اپنی منزل والا چلا بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا فانطلقہ حتی اذا رکب فی السفینہ خرقہا اللہ نے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام دے حضرت خضر علیہ السلام جدو کٹھے چلے نا اس تو اگے حضرت یوشع بن نون دا تذکرہ نہیں ملدا علماء نے فرمایا کہ او واپس چلے گئے حضرت موسیٰ نے انہوں نے واپس بھیج دیتا خضر تے موسیٰ کٹھے ٹورے رستے جندر ایک دریا سی کشتی آگی کشتی چھ بیٹھ کے ہن دریا پار کرنے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے حضرت خضر علیہ السلام کشتی چھ کٹھے بیٹھ کے سفر جاری ہے مسافرہ نے حضرت خضر علیہ السلام نو پہچان لیا کرایا بھی نہیں لیا اے تُسا دیکھے نا گڑی جو بندہ بیجے کو واقع مل جاتے کرایا نہیں لیندہ جی تُسی بیٹھو کشتی والے کرایا بھی نہیں لیا اچانک کشتی جزیرے تے رک گئی سفر جے جاری ہے مگر جزیرے تے تھوڑی دیر واسطے رک گئے کشتی والے سارے کشتی والے اتر کے کسے کم دی غرض نہ گئے تے حضرت موسیٰ تے خضر کشتی دے وچ بیٹھے اللہ نے فرمایا خرقہا جدو بیٹھے نا کشتی دے اندر سارے کشتی والے باہر نکلے تے حضرت خضر علیہ السلام نے نوی کشتی اُدا ایک تختہ اکھیڑ دیتا توڑ دیتا پکڑ کے توڑیا حضرت خضر علیہ السلام نے جدو کلہاڑی دے نال تختہ توڑیا نا حضرت موسیٰ تو برداشت نہ ہویا بول پہ اکھے آگے کیتا جے اونا دے ساڑھے کل پیسے بھی نہیں لے آپ نے اونا دی نوی کشتی توڑ دیتی آکے کیتا حضرت خضر علیہ السلام ایک کے فرمانے لگے میں آکھیا سی نہ چپ رہے آجے بولے کیوں میں تا پہلے ہی آکھیا سی تو آڈے کل میرے کم برداشت نہیں ہونے جو میں کرنا تو آڈے کل نہیں وکھیا جانا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی اکھے جی ٹھیک ہے میں نہیں بولدا جو مرضی کرو سانو کی بولے ہی نہیں میں آسان الفاظ ہے جتو انہوں وہ واقعہ سنا رہا ہے جڑا اللہ نے قرآن مجید ہے جو بڑی تفسیر نل بیان فرمایا اکھے جی جو مرضی کرو سانو کی منزل مقصود پہ پہنچے چال رہے قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے فرمایا کہ اچانک جدو کشتی تو اتر کے ٹورے تھے ویکھیا بچے پھر کھیل دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے نبالغ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھیا انہوں پکڑیا حتی اذا لکی غلاما فقتلا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے دے والا تو پکڑیا انہوں گسیٹ کے لے گئے
बाद ने लिखा कि आपने उदी गर्दन नु इंज दा झटका मारिया कि उदा मन का तोड़ देता। बाद ने लिखा कि आपने तलवार पकड़ी उस बच्चे दा सिर उतार देता, कत्ल कर देता। हजरत मूसा कलीम नबी सन कदों बर्दाश्त होवे, बोल पे फरमाया आ के कीता बगैर हक दे, ना गुना बेगुना, उन्हें तो गुनाह भी नहीं कीता, कत्ल कर दिता बच्चा। हजरत मूसा बर्दाश्त ना कर सके। खिदर अलैहि सलाम ने फरमाया मैं किया क्या सी, قال الم اقل لن تستطيع معي صبر, میں کیا کیسے تواڈے کول صبر نہیں ہونا, کیوں بولے؟ حضرت موسی پھر چپ فرمایا چلو ہن نہیں بولدا تے آخری موقع دے دیو, آخری موقع دے دیو نار رکھن دا, ہن ہن نہیں میں بولدا۔ گرامی قدر حضرات سفر جاری ہے, अचानक राज एक बस्ती आई, एक वादी आई, एक पिंड आया, कोई गांव आया, कोई चक आया। हुन अल्लाह दे नबी हजरत मूसा ने भूख लगी ते खिदर अलैहि सलाम ने भी भूख लगी, बस्ती च गए, जाके आख्या को खाना, मेहमान आया, मुसाफिर आ, खाना दो। बस्ती वाले बड़े अखड़ मिजाज सन, उन्हें आख्या कोई खाना नहीं, चलो बस्ती चो निकलो। हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम नो बड़ा जलाल आया ते आपने आख्या जी इन्होंने सानू खाना भी नहीं खिलाया, हाल तक नहीं पूछया, मुसाफिर हां। कुरान ने मुसाफिर नो वबन सबील आख्या, वबन सबील राह दा पुत्र, राह दा बेटा, रस्ते दा बेटा। मुसाफिर दिया बड़िया शाना मेरे नबी बयान कीतिया, मुसाफिर दी खिदमत करन लई अचटी दाढ़ी वाले बुजुर्गों नू पुछो, पुराने जमाने माइया पानी दे घड़े लैके ते प्याले लैके ते दरवाजे च बैठिया रहदियां सन, को काफिला गुजरे मुसाफिर गुजरे ते ठंडा पानी पिलाना। अज जिवें लोग हुण कूलर लगवा दिंदे ने रस्ते दे अंदर, नलके लगवा दिंदे ने मुसाफिरां वास्ते, उन्हां मुसाफिरां नूं खाना भी नहीं खिलाया। जदों बस्ती चों निकलण लगे ना ते हजरत खिजर अलैहि सलाम ने फर देखिया कि उन्हां दी इक मकान दी दीवार पे डिगदी है, झुक गई, बिल्कुल डिगण वाली। فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه, انہوں نے انج کر کے نہ دیوار نو پکڑیا تے سیدھا کر دیتا۔ حضرت موسی کلیم کو تے بالکل نہ ویکھیا گیا, رہ نہ گیا۔ آپ نے فرمایا انہاں تے سانو اکھیا بھی کچھ نہیں تے انہاں دا بچہ مار آیو تے انہاں سانو کھانا بھی نہیں کھلایا تے انہاں نال بھلا پہ کر دیو, دیواراں سیدھیاں پہ کر دیو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس ویلے فرمایا, فرما قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, فرمایا میں کیا کہ اسی تواڈے کول صبر نہیں ہونا, کیوں بولے؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن, گل دے پکے, قول دے پکے, فرمایا جی میں پچھلی بار آکھیا سی آخری واری موقع دیو, ہن میں پھر بول پیا, ہن میرے واسطے کی حکم ہے؟ اس ویلے حضرت خضر علیہ السلام بولے جڑی آیت مبارکہ میں خطبے دے دوران پڑھی, پڑھا ہوں اتمان میں واقعات سارا سنا دیتا ہوں۔ ایدے انجرو سانو سبق کی ملدا ہے, ایدے چ ہیرے کیڑے نے, جواہرات کیڑے نے, ایدے چ لال کیڑے نے, او میں ہن آپ احباب نو عرض کرن لگا۔ واقعہ میں سوال تے ذرا تفصیل نال نہیں سنایا کہ چونکہ میں صرف واقعہ نہیں نا سنانا, واقعے دے وچ جو سانو سبق ملدے نے او عرض کر لے۔ اصل جڑا مقصود ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا, حضرت خضر فرمان لگے قال هذا فراق بيني وبينك, قال هذا فراق بيني وبينك, سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا هذا فراق بيني وبينك, فرمایا بس ہن تیرے میرے درمیان فراق ہے, ہن ساڈی جدائی ہے,
हुन साडे दरमियान जुदाई आ गई, हुन असी कठिया नहीं रह सकदे। पता चलिया जुदाइया का जिक्र भी कुरान च, हिजर का जिक्र भी कुरान च, नौजवान पता लग्या फिराक का जिक्र भी कुरान दे अंदर है, इस पे छोड़े का जिक्र भी कुरान दे अंदर है। फरमा कौल आजा फिराक बईनी, फिराक बईनी वा बईनक, हुन तेरे मेरे दरमियान जुदाई है, तेरे मेरे दरमियान जुदाई है। मियां मुहम्मद बख्शने दा तर्जमा जो फरमाया, आप फरमाते ने ले ओ यार हवाले रबी दे, आई हमेशा जुदाई रब मिलाया आन मिला गे, और उम्मीद ना काई, रब मिलाया रब मिलाया ते आन मिला गे, और उम्मीद ना काई। नौजवानों कुरान ने फिराक दसिया, जुदाइया भी दसिया। जे मैं जुदाइया का जिक्र करा, हजरत बाबा आदम ते हव्वा जड़े वेले जमीन ते आए, ते जमीन ते आउंदियां ही जुदाई पै गई, जमीन ते आउंदियां भी छोड़ा पै गया। हजरत बाबा आदम श्रीलंका उतरे, अम्मा हव्वा जद्दे दे अंदर ही उतरिया। अल्लाह दे नबी हजरत बाबा आदम अले सलाम हजरत हव्वा नु कितने सौ साल ढूंढते रहे। नौजवानों फिर जाके मुकामे अरफा दे अंदर मुलाकात हुई, पता लग्या इंसान जदू जमीन ते आया, पहले दिन ही जुदाइया लेके आया, पहले दिन ही जुदाइया ते भी छोड़े नाल लेके आया। नौजवानों दुनिया के अंदर गम लेके आया, तकलीफा लेके आया, कहते मैं जुदाइया आदम ते हवा दी अर्द करा फिर भी बड़ी लंबी है, जे मैं इब्राहिम ते इस्माइल दिया जुदाइया अर्द करा लंबिया नहीं, जे मैं यूसुफ ते यकूब दिया जुदाइया सुनावा। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वबयदत ऐनाहु मिनल हज़न, फरमाया पुत्र दी जुदाई च रो रो के पाप दिया अखा दी बिनाई चली गई। पता लगिया नौजवानों जुदाइया बड़िया पुरानिया ने। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, जिहड़े वेले हजरत खिजर ते मूसा दी जुदाई दा वेला आया, फरमाया कौल हादा फिराक बईनी व बईनक। मियां साहब फरमांदे ने असां तुसां कद मिलना मुड़े के, हमेशा जुदाई रोमन फुल मुहम्मद बख्शा के, रज नहीं शाख अंडाई, रोमन फुल मुहम्मद बख्शा के, रज नहीं शाख अडाई। हजरत मूसा ने आख्या अजे ते मैं रज आई नहीं, अजे ते साडी इब्तदाई होई ते जुदाइयां ही पै गईयां ने, रोमन फुल मुहम्मद बख्शाओ के रज नहीं शाख अडाई। अच्छा जी बस हुन मेरी तुहाडी जुदाई है, असी इकट्ठे रह सकदे बोलोगे हुन नहीं कठे रह सकते, तुहाडी साडी जुदाई। कल हादा फिराक बईनी व बईनक, हजरत मूसा कलीम ने आख्या जी ठीक है वादे के मुताबिक हुन मैं जाना ही जाना, मैं आप आख्या सी आखिरी मौका दियो। हुन हजरत खिजर अलैहि सलाम, फिर वह भी खिजर सी ना इल्मा वाला, ओ इल्म इल्मे लदुन्नी, पिछले सुरजु में तुसा सुनिया इल्मे लदुन्नी किनु कहंदे। हजरत खिजर अलैहि सलाम ने फरमाया आओ फिर हुन मैं तुहानू दसा कि मैं ये सारा कुछ क्यों कीता। फरमा सुनो सौ नबी को बिता अवीलिम मालम दस्तते अलैहि सबरा,
हजरत खिजर अलैहि सलाम ने फरमाया कि ओ जड़ी कश्ती सी ना, असल च कश्ती सी नवी, उन्हें साढ़े को किराया भी नहीं लिया। आपने फरमाया वो जड़ी कश्ती सी ना, वो अम्मा सफीनत फकानत लिमसाकीन, वो जड़ी कश्ती दे मालिक सन ना, वो मिसकीन सन। की सन बोलोगे? मैं तुहानू कुछ समझाना चाहना, मैं इस वास्ते चाहना तवज्जो मेरे नाल रखिया, जे मैं बड़िया किताबां दर्जना दे हिसाब नाल पढ़ के फिर हीरे चुन के लियाउणा तुहाडे वास्ते। फरमाया फकानत लि मसाकीन, ओ कश्ती मिसकीना दी सी, उस दरिया दे दूसरे किनारे ते इक बड़ा जालिम बादशाह है, ओ कब्जा करो पे करता है कि जो नवी कश्तियां को लेके आते हैं तो वह नवी कश्तियां रख लुरानिया उन्होंने दे दें, कब्जा कर लेंद नवी कश्तियां, फिर वह कारोबार कर नवी कश्तियां, हर गाहक का दिल करता नवी कश्ती च बैठा, नवी कश्तियां बादशाह खो ल पुरानिया दे दें। फरमाया मैं उन्होंने नवी कश्ती का तख्ता इस वास्ते उखेड़ दिता कि जो ये पार जावे ना, अगे मिसकीन ने बादशाह इन्हों की कश्ती च जो ऐब वेखेगा ना कि यह तो टुटी हुई है, वह इन्हों को खोवेगा नहीं, तो इन्हों का काम चलता ही रहेगा। आसी असल वजह हुण गिरामी कदर हजरात ए सानू सबक की मिलते हैं, ये निचोड़ की है, बेशुमार ने, मगर मैं एक दो अर्ज करा। अहले इल्म ने इरशाद फरमाया कि जो एक कश्ती च बैठे सन ना, तो एक छोटी जी चिड़िया आई, चिड़िया आके कश्ती के किनारे ते बैठी, तो उस चिड़िया ने अपनी चुंज के अंदर दरिया चो ना समंदर च पानी का कतरा लिया मुंह। हजरत खिजर अलैहि सलाम ने फरमाया मूसा आ जरा तेरा ते मेरा इलम है ना, ये रब दे इलम नू इन्ना भी नहीं घटा सकता जिन्ना इस चिड़ी के पानी के मूँह के पानी ने समंदर नू घटाया, असी इन्ना भी नहीं रब दे इलम नू घटा सकते। फरमाया आ समंदर ते मुतनाही है ना, कोई हद है उहदे समंदर ते ला मुतनाही ने, ते जे इस चिड़ी दे एक चुंझ पानी दे नाल एक कतरे दे नाल समंदर नू फर्क नहीं ना पैंदा, ते मेरे ते तेरे इलम दे नाल भी रब दे इलम नू कोई फर्क नहीं पैंदा, साडा इलम कुछ भी नहीं। हजरत खिजर अलैहि सलाम ने फरमाया कि आओ हुण मैं तुहानू तौजीह दसां, तवील देवां, क्यों मैं तख्ती दा कश्त ओ पुश्त तख्ता उखड़िया, क्यों ते पुश्ते तोड़े। फरमा कश्ती सी मिसकीना दी, मुफस्सरीन फरमाते ने कि दस भाई सन कश्ती दे मालिक, उन्हां विच पांच अपाहिज सन, मजूर सन, पांच तंदुरुस्त सन, पर हिन गरीब। हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम नूं हजरत खिजर ने दसिया कि आ जिहड़े पांच ने ना एक कमाई करके ते उन्हां पंजां नूं भी पालदे ने ते अपने आप नूं भी पालदे ने, हिन मिसकीन। इत्थे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी मुहब्बत दा नुक्ता इरशाद फरमाया। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने एक होंदे ने मिसकीन ते एक होंदे ने फकीर। फरमांदे ने मिसकीन ते फकीर दा फर्क है वे, ते कुरान ने दसिया कि मिसकीना कुल कश्ती है, हन मिसकीन औ मिसकीनन ज़ा मतरब, पर जेड़ा होवे ना फकीर उहदे कोल कुछ भी नहीं होंदा, पल्ले रिज़क नहीं बनदे पंछी ते दरवेश, जिन्ना तकवा रब ते उन्ना रिज़क हमेश, ते तुसी सुभान अल्लाह कर जाके बोलिया जे। दरवेश ते फकीर दा आ फर्क होंदा है ते मिसकीन दा फर्क है कि मिसकीन कोल ते फिर कुछ ना कुछ है, कश्ती भी है, पर फकीर पल्ले कुछ भी रखदा, दुनिया का माल रखदा। नौजवानों मैं तुम्हें मिसकीन ते फकीर का फर्क अर्ज कराऊं,
حضرت خواجہ خواجگاہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ ایک رات نفل پہ پڑھ دینے اچانک اپنی ککھاں دی کلی وچ پاورے آئے کہ مریداں نو فرمایا مینوں اج عبادت وچ لذت نہیں آ رہی انج لگدا ہے جویں میری کلی وچ دنیا دی کو چیز ہے مریداں نے جا کے ساری کلی دی صفائی کیتی عرض کیتی لجپالا کلی وچ کوئی دنیا دی چیز نظری ہی نہیں آئی حضرت خواجہ با یزید نے نفلاں دی نیت کیتی سلام پھیر کے باہر آئے فرمایا مینوں لذت نہیں آ رہی انج لگدا ہے جویں فقیر دی کلی دے اندر دنیا دی کو چیز ہے دوبارہ صفائی کیتی کچھ نہ ملیا پھر جا کے نفلا دی نیت کر کے بارے آئے فرمایا کچھ نہ کچھ ہے جدی وجہ تو مینوں عبادت دی لذت نہیں آ رہی مریداں نے جا کے ساری چیزاں چک کے صفائی کیتی جڑے ویلے بستر اٹھایا تے نوجوانو ویکھیا بستر دے نیچے ایک کھجور دی گٹھلی ہے ایک کھجور دی گٹک ہے حضرت خواجہ با یزید بستامی نو پیش کیتی آپ نے فرمایا آئیو کھجور دی گٹھلی ہے جدی وجہ تو مینوں عبادت دی لذت نہیں آ رہی فرمایا فقیر دی کھلی ہے ایتھے دنیا دیا چیزاں دا کی کم ہے نوجوانو سیال کوٹ والو قربو جوار دی آنے والو پتہ چلیا فقیر دی کھلی دے اندر دنیا داری نہیں ہوندی جڑا اصلی فقیر ہوے او دنیا دے مال اکٹھے نہیں کردا عارفاں دے سلطان حضرت پیر بہونے دا رنگ پیش فرمایا تے آ فرما دے نے جوں دیا مر رہنا ہوے تاں دیس فقیراں کئی فقیری کی ہے فقر کنو کہندے ہیں فرما دے نے جیوندے ہی مر رہنا ہوئے تب اس فقیران رہیے ہو یا تو چاہنا نہ کہ جیوندا بھی ہوئے پر مریا موتو قبل انت موتو مرن تو پہلے مر جا جے بچنا ہی بھائی فنا دے ویچی بقائے جنو آ کلیہ سمجھ آ جائے نا فرما دے نے جے تو چاہنا کہ جوندیاں ہی مر جائیں تے جڑا پہلے ہی مرے آوے انو موت نے کی مارنا ہے اے جڑے بابیاں دے دربار زندہ نے نا اسے واسطے کہ انہوں موت مار ہی نہیں سکتی کیونکہ موت دے آؤں تو پہلے ہی مر گئے اندروں ہی مر گئے نفس نہیں مار دیتا خواہشات نہیں مار دیتا او جڑے مرن تو پہلے مر گئے پھر موت نے انہوں نہیں ماریا دیوے انہوں دیا قبراں تے بل دے فرما دے نے جون دیا ہی مر رہنا ہووے تا دیس فقیران بھئیے ہو جے چاہنا ہے فقیری دا بھیس پانا پھر فقیران چا بیٹھ صوفیہ فرما دینے کہ بچیاں چا بویں گا تے بچہ ہی بن جائے گا عورتہ چا رویں گا تے عورت ہی بن جائے گا سوچ عورتہ والی ہو جائے گی بادشاہ چا بیٹھیں گا تے دنیا دار ہو جائے گا حریص لوگ چا بویں گا تے حریص ہو جائے گا لالچیاں چا بیٹھیں گا تے لالچی ہو جائے گا گناہ گارا چبہ میں گا تے گناہ گار ہو جائیں گا بدکارا چبہ میں گا بدکار ہو جائیں گا نیکا چبہ میں گا تے نیک ہو جائیں گا صحبتِ تالے ترا تالے کند صحبتِ سالے ترا سالے کند یہ صوفیہ فرما دینے تو بیٹھے آئی چنگیاں کل کر بیٹھے آئی چنگیاں کل کر نیکا چبہ بیٹھتا کہ نیک ہو جائیں
बुजुर्गां च बैठेगा ते बुजुर्गां वालियां सोचां ते गल्लां करेगा, बच्चियां च बैठेगा ते बच्चियां वालियां करेगा, ते तू बैठे नेकां च कर ताकि तू गल्लां भी नेकां वाला करे ते ता देश फकीरां बईए। अगली गल, वक्त थोड़ा है। आपने फरमाया ओ जड़ा मैं बच्चा कतल किया सी ना, असल विच ओ बच्चे दे मैं दिल दे अंदर छाती मार के वेख्या ते अल्लाह ने मैनूं कशफ दे ज़रिए दस्या कि ओ बच्चा अज़ली काफिर है ते उन्हें रहना भी काफिर है। उस बच्चे दे मां बाप नूं उहदे नाल प्यार बड़ा। उलमा फरमांदे ने कि उस बच्चे दा नाम सी शमऊन, बाद ने हसून लिखिया। उहदी मां दा नाम सी सहवी, बाद ने उहदा नाम रहमी लिखिया, ते उहदे बाप दा नाम सी सलास, बाद ने अरीज लिखिया। आपने फरमाया कि बच्चा काफिर सी, अजली तौर ते अल्लाह ने उहदे मत्थे ते लिख दिता सी काफिर, उन्हें रहना भी काफिर सी। मां बाप नूं अपने बच्चे नाल प्यार इतना सी कि जो बच्चे ने जवान होना सी ते इन्हें अपने मां बाप नूं भी काफिर कर लेना सी, ते मां बाप ने अपनी औलाद की मुहब्बत की वजह तो काफिर हो जाना सी। ते आपने फरमाया कि मैं वो बच्चा ही कतल कर देता अल्लाह के हुक्म के नाल, कि ना ही रवे ना इहदे मां बाप की वजह तो काफिर होन। ताइयों रब ने कुरान च फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, फरमाया माल ते औलाद फितना है। कदे कदे वेख्या औलाद की मुहब्बत विच बंदा की कर जांदा। सुन मेरे नबी ने इरशाद फरमा इन्नल वुल्दा मबखालतुन मजबानतुन। मेरे नबी ने फरमा बेशक औलाद बुखल ते बुजदली का सबब होंदी है। गौर कर जो मेरी गल तवज्जो है, मेरे नबी दी हदीस पाक दा मफहूम सुनो। फरमाया बेशक औलाद मबखालतुन इंसान बखील बना देंदी है, कंजूस। इंसान कहता आ दौलत मैं अपनी औलाद नहीं कमाई है, इन्हों मैं मसीत बना दी, तो बच्चों का की बनेगा। औलाद की खातर इंसान अपना पैसा अल्लाह की राह भी खर्च नहीं करता, इंसान बखील हो जाता जे मैं अल्लाह की राह खर्च कर दिते तो मेरी औलाद का की बनेगा। तो मजनाबा तो इंसान बुजदिल भी बना देती औलाद, जिथे इंसान को चुप नहीं ना किया जाता औलाद की वजह तो बंदा उथे भी चुप कर जाएगा, बुजदली विखा देंगे, जिहाद ते नहीं जाता। क्यों? मैं मर गया, मैं गिरफ्तार हो गया, तो मेरे बाद मेरी औलाद का की बनेगा। ग्रामी कदर हजरात इंसान औलाद की मुहब्बत की नहीं करवा देती। उलमा ने फरमाया कि वह बच्चा चुके है तो छोटा सी मगर डाके डाकुआ के नाल रहा सी, इलाके च डाके छोटे मोटे डकैतियां करता सी, गुनाहगार भी बड़ा सी, है भी काफिर, उदी वजह तो उदी मां बाप ने भी काफिर हो जाना सी, आपने ओ बच्चा ही मार देता। पर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने उस बच्चे दे मरण तो बाद उदे बदले च अल्लाह ने उदे मापिया नु एक बेटी अता कीती, उस बेटी चो 70 नबी पैदा होए। बोलो सुभान अल्लाह। वेख रब दे हजरत खिजर अलैहि सलाम दी निगाह कित्थे तक कम कर रही सी, वेख वाली दी निगाह। फरमाया मैं ते उन्हों मार देता पर ओदे मां बाप नूं अल्लाह ने औलाद अता कीती ते बेटी अता कीती, उहदे चों 70 नबी पैदा होए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों पता चलिया कि औलाद दी तरबियत इंसान नूं चंगी करनी चाहीदी है ना, ताकि किधरे औलाद की वजह तो इंसान को शर्मिंदगी का सामना ना करना पवे। आइए अगली बात सुनिए। आपने फरमाया कि ओ जड़ी मैं दीवार सीधी की थी ना, पिंड वाले सानू खाना तो नहीं खिलाया पर सानू पिंड वाले ना की लगे, असा तो दीवार वाले वाल वेखना सी। अर्ज की थी हजूर वो दीवार की ना दी। आपने फरमाया दो यतीम बच्चे सन, एक का नाम सी असरम ते एक का नाम सी सरीम। बाप का नाम सी काशिह। फरमाया दीवार क्यों सीधी की थी? आपने फरमाया कि वकान अबू हुमा सालिहा। इस जुमले ते गौर करो,
फरमा दीवार इस वास्ते सिद्धि की कि उस दीवार के नीचे इन्हों के बाप ने मरण तो पहले एक खजाना दफन किया। बच्चे अजे छोटे थे, यतीम ने अगर दीवार गिर जाती तो लोगों ने खजाना लैके चले जाना सी, तो लोगों लुट लेना सी खजाना। मैं दीवार इस वास्ते सिद्धि की कि जब तक दीवार ठीक रहेगी, बच्चे जदू जवान होंगे इन्हों पता चल जाएगा कि दीवार के नीचे साढ़े बाप ने साढ़े लिए खजाना दफन किया है। अपनी दीवार ढान गए तो खजाना रखे तो गुजारा सोना हो जाएगा। हजरत मूसा ने फरमा पर इन्हें भला किया क्यों? जुमला सुनो, खिजर ने फरमाया वकान अबू हुमा सालिहा, इस वास्ते किया कि इन्हों का अब्बा बड़ा नेक सी। इन्हों का अब्बा बड़ा नेक सी। अगली गल हैरत वाली सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते ने उन्हां बच्चों का बाप नहीं सी, उन्हां दे दादा फिर दादे का बाप फिर बाप का दादे का बाप का दादा। फरमाते ने कि वह जिहड़ा नेक सी ना बाप, वह बच्चों की सतवीं पुश्त विच सी, पिछली सतवीं पुश्त विच वह नेक सी। हजरत खिजर फरमाते ने उस नेक अब्बे की वजह तो मैं इन्हां ते नेकी की। पता लग्या अब्बा नेक होवे ना ते औलाद नूं सिला मिलदा, औलाद नूं सिला मिलदा जे बाप नेक होवे। इस वास्ते अल्लाह ने कुरान मजीद फरकान हमीद के अंदर भी फरमाया, फरमाया लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत। इंसान के सामने वह ही आंदा बीजी है कट दे, जो बीजेगा वही कटेगा। ते तू बीज ही नेकियां, तेरियां इंदा नस्लां भी तेरियां नेकियां दी वजह तो फलन ते फूलन। याद रखा मेरी मिल्लत नौजवानों, मैं हमेशा जुमला बोलना, औलाद वो नहीं करदी जो मां बाप कहंदे ने, औलाद वो करदी है जो मां बाप करदे ने। बाप नमाज पढ़ेगा, पुत्र वेख के जरूर पढ़ेगा। बच्चा छोटा भी हो ना, बिल्कुल छोटा, दो चार साल का, उन्होंने नमाज का पता नहीं होता, मगर जो बाप नमाज पढ़े, मां नमाज पढ़े, तो बच्चा मुसल्ले ते खलो के वह भी उवें दी अदामा कर दे। हालांकि उन्होंने पता तो नहीं ना होता कि नमाज की है, मगर वह पढ़ दे। पता चले औलाद वह कर दिए जो मां बाप करते हैं। तो गिरामी कदर हजरात फिर होवे ना तो बंदा करे ही नेकी। पता चलिया जे सतवीं पुश्त च बाप नेक होवे ते नस्लां नूं उहदा फायदा मिलदा है। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अकबाल बुजुर्गां ने दीन दे भी ने, वह फरमाते ने कि बाप नेक होवे सिर्फ औलाद नूं नहीं, उहदी औलाद दी औलाद नूं भी सीधा मिलदा है। ते नेक इंसान की वजह तो अल्लाह उहदे हमसायां दे उत्ते भी करम कर छड़दा है। एक नेक होवे। हुण आइए मैं इहदे ते चंद दलाइल अर्ज़ करां। ग्रामीय कदर हजरात फरमाया गया कि अल्लाह इंसान नेक होवे ते ओदी औलाद ओदी ज़ुर्रियत दी हिफाजत भी कर दे। इंसान जद गुनाह करदे ना ते इह सोचदे किसे नूं पता नहीं, फड़िया नहीं ना गया ते की कहिंदा बच गया है ना। जे पुलिस ने नहीं ना पकड़िया ते इंसान सोचदा मैं बच गया, कोई फिक्र नहीं। पर इंसान याद रखी, तेरा गुनाह किधरे लिखिया गया, तू भूल जाना गुनाह करके भी। ओ जात जड़ी तेनो वेखरी ओ नहीं भूलदी, ना तेरी नेकी भूलदी है ते ना तेरा गुनाह भूलदी है। मौलाना रूम रहमतुल्ला अलै फरमांदे ने मिसाल इंज दुनिया दी जिवें कुआं हुंदा है, फरमांदे ने कुएं दे विच आवाज दई है ते पलट के आंदी है। इंजी इंसान की नेकी भी पलट के आती है ते गुनाह भी पलट के आता है। तेरी नेकी तेनों का सवाब ते मिलेगा, मगर हो सकता अजर तेरी औलाद न मिल जाए, उन्होंने ना मिले ते अगले तेरे पोतरिया मिल जाए, उन्होंने ना मिले तेरे पोतरे दे पोतरिया मिल जाए, अजर जरूर मिलेगा क्योंकि इतने पलट के आवाज आती है। जारी तौर पर इंसान कहना मैं गुनाह कर लिया, किसी को पता नहीं चलिया बच गया, मगर वह बचिया नहीं। आ फरमाते ने जो सूरज तलू होता है या गरूब होता है, उस वेले दीवार दा साया बड़ा लंबा, दीवार तो साया दूर चला जाता है, ते दीवार चमक समझदी है मेरा साया मेथों दूर है। आ फरमाते ने पर जो सूरज ज्यो ज्यो निस्फ नहार ते दोपहर वेले आंदा ना, सूरज जो उपर आंदा है ते ओ दीवार दा साया सिमट के ते दीवार दे नाल चिमट जांदा है।
आ फरमाते ने इंज इंसान का गुनाह कदे कदे दूर चला जाता है, पर एक वेला आंदा है कि ओदा गुनाह टुरदा 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 ओदी जात नु चिमड़ जांदा, नु कदे ना कदे ओदी पकड़ जरूर हो जांदी किसे ना किसे सूरत दे अंदर। लहा मा कसब व अलैहा मक्तसब, कुरान दा फैसला है। तो पता चलिया कि इंसान दी नेकी भी ओदे तक पहुंचदी है ते गुनाह भी ओदे तक पहुंचदा है। तवज्जो और इत्थे आके उलमा ने आ भी बयान फरमाया, फरमांदे ने कि जेड़े पाकां दे काम होंदे ना नेकां दे काम, मौलाना रूम फरमांदे ने कारे पाकां रा के आस अद खुद मगीर, गरचे बाशत दर नवेशतन शेरो शीर। फरमांदे ने पाकां ते नेकां दे काम वेख के किधरे उन्हां दे कम्मां नूं अपने वर्गा ना समझ लई। मूसा अलैहि सलाम समझे कि आ हजरत खिजर की पे करदे ने, इत्थे गलत है, पर जो उन्हें दसिया कि मैं क्यों किया, फिर हजरत मूसा नूं खबर हुई हां आ ठीक पे कर दे सन, मैनू गल समझ आ रही थी। फरमाते ने पाखा दे काम वेख के ते अपने ते कयास ना कर कि होरे ए मेरे वर्गे ही ने, नहीं नहीं फरमाते मौलाना रूम फरमाते ने लफ्ज़े शेर लिखे ना शेर, वो शेर भी पढ़िया जाता है ते शीर भी पढ़िया जाता है, वेखन च इक जैसा ही है, पर शेर दरिंदा हुंदा ते शीर दा मतलब दुद्ध हुंदा है। ते फरमांदे ने वेख दूंगा लफ्ज़ां च फर्क किन्ना है, पर वेखण च इक जैसे। फरमांदे ने इंज नेक ते आम बंदे दा फर्क हुंदा है, वेखण च इक जैसे लगदे ने मगर कम्मां दा बड़ा फर्क हुंदा है। ते मिसाल देके आ फरमांदे ने को दुकानदार सी ना करियाने दी दुकान, तोता रखा जो तोता गल्ला करता सी, रात तोता बोलता सी, उन्हें गल्ला करनिया ते गाहकां दा दिल लुभाना, गाहक बड़े राजी रहने, ते दुकानदार ने जदों कदे चले जाना ना ते तोते नूं कहना जरा मेरी दुकान दी हिफाजत करी, हिफाजत करी मेरी दुकान दी। ते जे किसे आके किसे चीज नूं हाथ लाना ते तोते कहना खबरदार मालक इत्थे नहीं, ते किसे चीज नूं हाथ नहीं लगाना, तोता दुकानदार ही बन गया। मौलाना रूम फरमाद ने एक दिन दुकानदार किधर गया ते तोता रखवाली पिया करे ते अचानक एक बिल्ली चूहे दे पीछे दौड़ी, तोता डर के उड़िया ते एक तेल दा कनस्तर ओदे नाल टकराया ते कनस्तर जमीन ते डिग गया, तेल सारी दुकान ते रुड़ गया, हर चीज ही खराब हो गई। दुकानदार जद आया ते उन्हें वेख्या तोता बैठा है, इन्ने तेल रुड़े, उन्हें थप्पड़ मारिया, वो तोते दे सिर दे वाल झड़ के गंजा हो गया, तोते नूं इन्ना गुस्सा लगा उन्हें बोलना ही छड़ दिता, उहदे गाहक भी घट गए जिहड़े सारा दिन गल्लां तोते दीआं सुणन वास्ते बैठे रहिंदे सन, उह भी चले गए। तोता चुप करके अरसा दराज गुर गया, उन्हें बड़ा मनाया पर तोता मन्ने ना, बोले ही ना। अचानक एक तोता बड़ा अफसोस अफसुरदा होके बैठा ते दुकान दे सामने एक फकीर गुजरिया, मंगता गुजरिया, साहिल गुजरिया, उह सिर तों गंजा सी, उह सवाली सिर तों गंजा सी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने तोते ने जदों गंजे नूं वेख्या ते उहनूं वेख के ते हस पिया ते हस के कहिंदा तू भी तेल रोड़िया सी, तू भी तेल ही रोड़िया सी। आ फरमांदे ने कि ओह समझिया कि आ भी मेरे वर्गा ते मैं भी इहदे वर्गा। आ फरमांदे ने किसे दा जाहिर वेख के आ ना समझ बैठी आ जड़ा नेक पिया काम करदा हो सकदा है मैं भी करा ते मैं भी इंज दा नेक हो जावां। आ फरमांदे नहीं नहीं अंदरों नेक हो जारी तौर ते नहीं। आ फरमांदे ने कदे कदे दुनियादार भी नेकां वर्गा बनन दी कोशिश करदा है, ओ भी भेस वटा लैंदा है कि मैनू भी लोग वली आखन, मेरे भी लोग बड़े कसीदे, मैनू भी लोग मुरीद मैनू मेरे बनन। आ फरमांदे ना ना इंज पीरियां मुरीदियां ते इंज नेक नहीं होना। फरमांदे ने अंदरों नेक हो, अंदरों नेक हो। आप इरशाद की फरमांदे ने मिसाल दे के फरमांदे ने नबियां ने मौजदे विखाए ते जादूगरां जादू कीते ते कम ते दोवें इको जे सन, फिरौन ते जादूगर ने रस्सी दे सप बनाए ते मूसा ने अपनी सोटी दा सप बनाया ते कम ते इक जैसा। ते आप फरमांदे ने जिन्नू रूहानी बीमारी होवे ना ओ समझदा ओ भी जादूगर है ते ओ भी जादूगर है। आप फरमांदे नहीं कम दोवां दे इक जैसे ने पर उहनां दा जादू है पर नबी दा मौजदा है, नबी दा कमाल है। गिरामी कदर हजरात इथे आके बाद आशिक इरशाद फरमांदे ने औलिया अल्लाह इरशाद फरमांदे ने हजरत खिजर अलैहि सलाम ने अपने रोज नहीं खोले। आप फरमांदे ने बुजुर्ग फरमांदे ने इखफाउल असरार मिनल अबरार,
फरमाते ने रात नूं रात ही रखना ये अल्लाह वालियां दा तरीका है अबरार दा तरीका है सूफिया फरमाते ने जे तू चाहना है रात छुपिया रवे कि जेड़ा रात अपने दुश्मना को छपाना अपने दोस्तों को भी छुपाया कर फरमा देने सारे रात सारे नहीं दसी दे ते आरी बिल्ला लोग फरमा देने जेड़े महरम राज हकीकतां दे और राज हकीकत खोल दे नहीं नहीं वेखिया ओ करन गल्ला जिन्ना वेख लिया ओ बोल दे नहीं। हजरत खिजर ने राज सीने च रखे खोले नहीं खोले उदू जदू जरूरत पई ते मियां साहब फरमांदे ने जिस विच गुजी रमज ना होवे दर्द मदां दे हालूं बेहतर चुप मुहम्मद बख्शा सुखन अजय नालूं ते मियां साहब फरमांदे ने चुप रवे ते मोती मिलसन सबर करे ते हीरे पागलां वल्लों रौला पावे ना मोती ना हीरे। फरमांदे ने चुप रहना सिख अपने राज अंदर रख। फरमांदे ने अंदर जमीन दे दाना जावे ते फिर दाना जमीन दे विच रवे फिर उदे चो पौधा निकलदा फिर दरख्त बनदा फिर फल लगदा। फरमांदे ने जे तू भी चाहना कि तेनों फल लगे ते फिर रात नूं अंदर रखिया कर। फरमांदे ने सोना चांदी हीरा लाल जवाहर ए ओ पहाड़ दी कौन दे अंदर रहंदे ने फिर मुल पैंदे ने फिर मुल पैंदे ने। तो गिरामी कदर हजरात ये बात नूं अगर तवालत दी तो बेशुमार सारे निकात सन मैनूं पैगाम भी मिलिया और मेरा इरादा भी सी कि आ जिहड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने कानून पास कीता ट्रांसजेंडर यानी कि औरत ऑपरेशन करवा के ते अपने जिस्म नूं मर्द दी तरह बना सकदी है ते मर्द अपने जिस्म नूं ऑपरेशन करा के औरत दी तरह बना सकदा है। औरत ते मर्द दी शादी भी इत्थे फितरी अमल है मगर मर्द दी ते मर्द नाल शादी ते औरत दी औरत नाल शादी यानी कि अपने जिस्म नूं तब्दील करन दा कानून पाकिस्तान च पास करन दी कोशिश कीती गई इस्लामी नजरियाती कौंसल ने उन्हें इस्लाम के खिलाफ कह के रिजेक्ट कर दिता कानून नूं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦਮੰਦਾਨਾ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਲਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਤਜਾਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ और ना ते पाकिस्तान दे अंदर एक कानून पास होन देवनगे ते ना होनगे इंशाल्लाह। और जिथे तक ये मसला रहा कि क्या इंसान अपने वजूद च तब्दीली कर सकता या नहीं तो याद रखिए तब्दीली ते ओदे च करी दी जिहड़ी चीज अपनी होवे ते जिहदा मालिक ही कोई होर होवे। मैं अक्सर मिसाल दिंदा कि आ जिहड़ी चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे बैठे इन्हां नूं पुछो जदों माइयां चरखे कतदियां सन चरखा टुट जाना या खराब होना ते माई ने गवांडन नूं कहना तेरा अपना चरखा देवी मैं दो चार दिन पूनियां कतनियां उन्हें चरखा उधार लेना उहदे नाल पूनियां कतनियां ते उन्हां नूं बाजार च बेच के पैसे कमा लेने ते गवांडन ने कहना मेरा चरखा उधार लिया सी वापस करो उन चरखा वापस कर देना पर उस चरखे दे नाल जिहड़ियां पूनियां कतियां वो अपनी कमाई हो गई ते चरखा उधार सी वो मालका लै लिया। आ जिहड़ा मेरे ते तुहाडे वजूद दा चरखा है नमाज़ां को रोज़े को हज को ज़कातां इहदे नाल जिहड़े बदनी अमाल करने ने ओ तेरी कमाई ते ओ पूनियां ने ते चरखा मुड़ मालकां दा ते उधार दिता है जिवें दिता है मालकां ओवें वापस लैणा है लिहाजा ये चरखा है ही मालक का ना चरखा तेरा ते ना मर्जी तेरी चरखा भी मालक का जिसम का चरखा मालक का मर्जी भी मालक की चलनी लिहाजा इंसान अपने जिसम च तब्दीली कर सकता ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसानी तकवीर फरमाया इंसान नु असा खूबसूरत बनाए
दो अखियां जे तीन होंदियां ते नक एक ते जे दो होंदे ते कन दो ने अगर एक होवे ते उंगलियां पंज ने तो याद किसे दी छेवीं उंगली उंग पवे ते ऐब होंदा है ते जे चार होवन ते फिर भी ऐब लगदा है। अल्लाह ने इंसान नु मुकम्मल बना के भेजा, इंसान अपने जिस्म च तब्दीली नहीं कर सकता, लिहाजा ऐसे कवानीन जेडे इस्लाम के खिलाफ पेश किए जा रहे असी भरपूर उन्हां दी मजम्मत भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं कि इस कानून नु वापस किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत साडी हाजरी कबूल फरमाए, आमीन।